अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपसे वादा किया था कि आपको लाहौर दिखाएंगे, तो चलें जनाब, आज आप सबको लाहौर दिखाते हैं। जी, तो ये इलाका है जैन मंदिर का, और ये रोड जो है ये पुरानी अनारकली को जा रही है, जो कि पुरानी फूड स्ट्रीट थी। जी जनाब, तो अभी हम गुजर रहे हैं फूड स्ट्रीट पुरानी अनारकली रोड पे, और यहाँ आएगा पुरानी अनारकली का थाना अनारकली, और यहाँ से ये आ गया जी टुलिंडन मार्केट। ये गोरों के दौर की टुलिंडन मार्केट है, और इसके साथ ही आगे है म्यूज़ियम, बहुत खूबसूरत है अंदर से, कभी मौका मिले तो देखें। और म्यूज़ियम के साथ ही आगे आ जाएगा जी नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स। ये सारी बिल्डिंग साथ साथ ही हैं, इसके साथ आपको आगे नज़र आ जाएगा गुजरते ही टाउन हॉल। ये माल रोड पे ये सारी बिल्डिंग्स आपको साथ साथ ही नज़र आ जाएंगी। ये लें जनाब, ये आ गया टाउन हॉल, और यहाँ से हम अब सीधे सिटी की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से गुज़रते हुए हम लोग दाता साहब दाता अली हजवेरी के दरबार को क्रॉस करते हुए ये आ गया जनाब दाता साहब, और दाता साहब से सीधे रोड हम जाएंगे अंदरून शहर की तरफ। सोचा आज आपको थोड़ा सा शहर की सैर कराई जाए। अच्छा जी, ये रोड जा रहा है सीधा मीनारे पाकिस्तान की तरफ, लेकिन हम भाटी चौक की तरफ मुड़ जाएंगे। ये हम मुड़ गए जी भाटी की तरफ, ये आ गए हम अंदरून शहर। अच्छा जी, ये पुरानी बगियां और डोलियां यहाँ पे लोग शादी के यहाँ से मिलती हैं, दस्तयाब हैं, लेकिन अभी भूख बहुत लग रही है, सोच रहे हैं कि पहले खाना शाना कोई देख लिया जाए, कोई नाश्ता कर लिया जाए। ये देख लें जी मीनार, बाकी आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको क्या दिखाना चाह रहे हैं। ये है लाहौर की फूड स्ट्रीट, और लाहौर लाहौर है जनाब। पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। अभी हम हैं फूड स्ट्रीट, सुबह का टाइम है, कभी ऐसा इत्तेफाक नहीं हुआ, शाम को तो बहुत दफ़ा आए हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम है कि फूड स्ट्रीट नाश्ता करेंगे, और दिखाएंगे कि जो पुराने घर थे उन्होंने कैसे होटल और रेस्टोरेंट में कन्वर्ट किया है। तो चलते हैं फूड स्ट्रीट। ये है हवेली खलील खान, जो कि अब मशहूर हवेली रेस्टोरेंट है। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप पुरानी बिल्डिंग्स, पुरानी इमारतों को कुछ होटल बना दें, वहाँ कोई रेस्टोरेंट बना दें। इसके सामने बिल्कुल बादशाही मस्जिद है, इसके लेफ़्ट साइड पे बादशाही किला है दूसरी साइड पे, जो कि अभी खुला नहीं है, 12 बजे खुलेगा। बहुत सारी ऐसी इमारतें और बहुत ऐसी बिल्डिंग्स बर्बाद हो चुकी हैं, जिस पे गवर्नमेंट बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दे रही है। अगर आप उनको सिर्फ टूरिज्म के लिए खोल दें तो वो अपना खर्चा खुद ही निकाल लेंगे। तो ये घर जो है रेस्टोरेंट में कन्वर्ट हो गया, अब कुकूज़ रेस्टोरेंट है, इसके मालिक भी यहीं रहते हैं नीचे। और सामने बादशाही मस्जिद है, जो कि मुगलिया दौर की एक निशानी बची है अभी तक, अल्लाह करे कि ये सलामत रहे। बादशाही मस्जिद का थोड़ा सा आपको बताती हूँ कि क्या था, इसके गुंबद वगैरह गिरा दिए थे सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो आपको चारों मीनार नज़र आ रहे हैं, ये इसलिए गिराए गए थे कि शायद इसके ऊपर बैठ के वॉच किया जाता है, देखा जाता है, तोपें वगैरह रखी हैं जो कि कोई हमला कर देंगे या कुछ है, तो इसको गिरा दिया गया था। दोबारा से ये तामीर हुई थी फिर 1960 में। तो बादशाही मस्जिद, शाही किला, और इस वक्त हम हैं कुकूज़ रेस्टोरेंट। इस वक्त हम कुकूज़ रेस्टोरेंट बैठे हुए हैं, पीछे आपको बादशाही मस्जिद नज़र आ रही होगी। बहुत खूबसूरत माहौल है और पीस है बिल्कुल। यहाँ पे तो तिल धरने की जगह नहीं होती है, लेकिन शाम को इस वक्त बहुत कम लोग आते हैं, तो ये भी अच्छा हुआ कि हमें मतलब रश नहीं मिला। आप सुकून से जो है वो अपनी वीडियोग्राफी कर सकते हैं। तो एक छोटा सा वाक्य आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। अभी मैं ऊपर थी रूफ टॉप पे, जब वीडियो बना रही थी, कुछ रिकॉर्डिंग कर रही थी, तो दूसरी साइड पे एक मौलाना साहब थे जिन्होंने माशाल्लाह जो सुन्नत है वो भी रखी हुई थी, अपनी दाढ़ी शाड़ी भी, और लिबास भी उनका मुसलमानों वाला ही था, लेकिन शायद वो ऊपर से मुसलमान था,
वो दिल से मुसलमान नहीं था। उसके साथ एक लड़की थी 20-22 साल की जो कि उसकी वीडियो शूडियो बना रही थी। तो ऐसे मैंने देखा कि हम यहाँ वीडियो बना रहे हैं, वो लोग उधर वीडियो बना रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद वहाँ पर गाली गलौज की आवाज़ें शुरू हो गई। मैंने एकदम से देखा कि इतना छोटा सा ये एरिया है, अगर आप ऊंची आवाज़ में बोलेंगे भी तो दूसरे बंदे को आवाज़ सुनाई देगी। तो वो गाली गलौज कर रहा था और ऐसी गाली गलौज थी कि मैं बता भी नहीं सकती हूँ। तो मतलब क्या, कुछ थोड़ा सा ख्याल करें, कुछ दीन का ख्याल करें, कुछ थोड़ी शर्म होती है, कोई हया होती है, वो थोड़ी सी कर लें, बाकी सब ठीक है। अंदर से मुसलमान हो जाएं, बाहर से मुसलमान होने का कोई फ़ायदा नहीं है। मस्जिद इस्लाम का दर्स नहीं देती है, इंसान इस्लाम का दर्स देता है। हाँ जी, आज वो लॉरी नाश्ता करने वास्ते जिन्हें जिन्हें करना अपने पल्लों, क्योंकि कुकूज रेस्टोरेंट बहुत महंगा है। अच्छा जी, ये है टकसाली बाज़ार, शाही मोहल्ला भी जिसको कहा जाता था। इस वक्त तो यहाँ पर कोई नहीं है, जाहिर है इस वक्त तो सब लोग रेस्ट कर रहे होंगे, लेकिन सुना है कि रात को यहाँ पर बहुत रौनक होती है। चूँकि अब यहाँ पे ज़्यादा लोग रहते नहीं हैं, वो लाहौर के मुख्तलिफ़ एरियाज़ में शिफ्ट हो चुके हैं। एक दौर ऐसा था कि सिर्फ इसी जगह के अंदर ये लोग महफूज थे, अंदर ही रहते थे, लेकिन जैसे जैसे लाहौर बढ़ता गया, सिलसिले जो हैं वो लाहौर से बाहर निकले, तो लोगों ने भी बाहर जाके घर बनाने शुरू कर दिए। तो बहुत सारे यहाँ से लोग जो हैं वो बाकी के लाहौर के जगहों पे भी शिफ्ट, क्योंकि ये उनकी पुरानी रिहाइश गाहें हैं, तो यहाँ पर भी ये लोग पैसा वैसा खर्च करते रहते। अब किन पुराने घर तो उनके हैं, तो इसलिए यहाँ पर वो लोग आकर, शायद जैसे हम लोग अपने गाँव में छुट्टियाँ मनाने के लिए जाते हैं, वो लोग यहाँ आते होंगे। जी अब तक तो थे खाबे शाबे लाहौर के, मज़े मज़े के, सुबह लस्सी और हलवा पूरी। तो अब हम इसके बाद चलते हैं बादशाह मस्जिद। जी जनाब, अब हम पहुंच चुके हैं बादशाह मस्जिद। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार से आगाज़ कर रहे हैं जी, फातह खानी और फिर सीधे अलातू मस्जिद। मस्जिद के तकद्दस और एहतराम को मद्देनज़र रखते हुए हमने ज़्यादा फोटोग्राफी से परहेज़ किया है, सेल्फीज से तो बिल्कुल ही परहेज़ किया है। ठीक है, एक आला जगह देखने के लिए आए हैं तो लोगों को वो आला जगह दिखाई जाए। बादशाही मस्जिद जी मुग़ल दौर की एक बेहतरीन इमारत है और इसका जो स्ट्रक्चर है वो कमाल है। ये मस्जिद जी वर्ल्ड सिटी लाहौर के बिल्कुल साथ वाक़ है, साथ ही इसके शाही किला है और वहीं पे महाराजा रंजीत सिंह की मड़ी है। इसका जो स्ट्रक्चर है ना जी, वो काबिले दीद है, शानदार स्ट्रक्चर है। ये मस्जिद बनाई जी औरंगज़ेब आलमगीर ने 1671 से 1673 तक। उसके बाद ये दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद रही है जी। इसका मुग़ल तर्ज तामीर काबिले दीद है और फन का एक नमूना है। हमने इस व्लॉग को बड़ा शॉर्ट रखा है, मस्जिद के तकद्दस को मद्देनजर रखते हुए। सामने आपको शाही किला नजर आ रहा है, क्यों जी, ये हजूरी बाग जी बिल्कुल, और बारादरी, और जब कोई इवेंट होते हैं सरकारी तौर पर तो यहाँ पर बड़ा कमाल का जो है वो सजाते हैं और बड़ा खूबसूरत लगता है, रात का मंजर बड़ा खूबसूरत होता है। बादशाही मस्जिद को ब्रिटिश एम्पायर ने अपने कब्जे में भी ले लिया था, ये उनकी छावनी भी रही है काफी अर्सा, फिर इसके मीनार भी गिरा दिए गए और फिर फाइनली बादशाही मस्जिद की दोबारा तामीरें नौ हुई 1960 में। ये हैं जी महाराजा रंजीत सिंह की मड़ी और अब हम हैं जनाब पुराने लाहौर के रवायती पुराने घरों के बीच, और ये जो जंगली कबूतर हैं ये पुरानी इमारात के हुसन को चार चांद लगा देते हैं। उम्मीद है जी कि आपको आज का हमारा ये ब्लॉग पसंद आया होगा, आइंदा के लिए भी ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।